बोला है पकोड़े बनाने के लिए एक वीडियो। देखो अभी ओके, हमारी अम्मी बहुत अच्छे पकोड़े बनाती है। और अगर आपको एक वीडियो लाइक करना, ये है धनिया। ये धनिया नहीं है, ये पालक है। ये पालक है। और अभी ये अम्मी अभी ये आलू काट रही हैं। मुझे नहीं लेना। चलो इतने अच्छे, अब आलू को ओवल शेप में काट दिए। चलो अब इसको लाइन से काटते हैं। चलो इतनी धूमधाम से काटना है, वरना आपके हाथ ना कट जाए। ओके, अब मेरी अम्मी ने बारीक कटे हुए पालक डाल लिए और यहाँ बारीक कटे हुए आलू। अब मेरी अम्मी बारीक कटे हुए प्याज डालेगी। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कटे हुए ये बारीक कटे हुए अब प्याज काट रही है अम्मी। ओके, ये मेरी अम्मी ने बारीक कटे हुए प्याज काट रही है। अब बहुत ही इजी हुआ है ये पकौड़े बनाने में। तो अगर आपको बनाने हैं पकौड़े में, ये रमज़ान में भी बन सकते हैं। अगर मैं रमज़ान में बनाऊंगी बहुत अच्छे हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अगर आपको भी अच्छा खाना बनाना सीखना है तो फिर मेरी अम्मी को कमेंट करना और लाइक करना, फिर देखना कैसे बनाती है खाना। ओके, अब ये हमने बारीक कटे हुए प्याज डाल दिया। अब ये अम्मी डाल रही है नमक इसके अंदर। बहुत इजी स्टेप्स हैं। तो अब अम्मी जो करेंगी वो बहुत अच्छे करेंगे, सबको अच्छा लगता है। और वो होगा मिर्च हैं। अब मिर्च डालेंगी अंदर। ओके, अब अम्मी जो डाल रही हैं पता नहीं वो क्या है, जीरा। ये भी हिस्सा हुआ जीरा। ओके, अब ये जीरा डाल रही है अंदर, बहुत ज्यादा डल गया। जीरा अपनी मर्जी से डाल सकते हो। चलो अभी अंदर रख रही है। पकौड़े अभी थोड़े स्पाइसी होते हैं, लेकिन अगर आप आलू के पकौड़े बना रहे हो वो थोड़ा फीका है तो, लेकिन ये सिंपल वाले पकौड़े बना रहे हैं तो बहुत मिर्च डाल रहे हैं इसमें। अब ये क्या है, इतना मिर्च डालने की जरूरत भी नहीं है। धनिया और जीरा और मिर्च पिसी हुई। अभी अम्मी थोड़ा सा बेसन डालेंगी अंदर। अब देखते हैं कैसा बनता है बेसन का पकोड़ा। चलो बेसन। ओके, अब ये अम्मा मिक्स करेंगी ये सब। अब मिक्स करिए सब के साथ। जीरा पिसी हुई, मिर्च, नमक, बहुत सारी चीजें डाले हुए, वो कटे हुई प्याज, कटी हुई आलू, कटी हुई धनिया। ओके, अब ये बेसन डाल रही है अंदर। वो कितना डालेगी। ओके, इतना तो सही है। चलो अब फिर से इसको स्टिर करेगी। चलो अब देखो कितनी सफेद हो गई। थोड़ा सा पानी डाला है इनमें से। अब फिर से इसको मिक्स कर रही है। चलो बहुत अच्छा मिक्स हो रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा है। पता नहीं कैसा लगेगा जब खाएंगे। ओ बहुत अच्छा है, देखो कैसा। और एक धनिया। ओके, अम्मा फिर से एक बेसन डालती है। फिर से बेसन डाल रही है अंदर, बहुत सारा डाल रही है। पानी डालकर फिर से मिक्स कर दिए। चलो बहुत सारा मिक्स करिए, बहुत सारा।
ओ देखो कैसा है, बहुत अच्छा बन रहा है। ओ बहुत अच्छा बन रहा है ये चीज, मना सकते हो आप। बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं, फिर से बेसन डाल रही है। थोड़ा थोड़ा बेसन डालना है आपको, अगर बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बेसन डालना है, इतना ज्यादा नहीं डालना है वरना मीठी जहर या पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा अंदर। चलो अब फिर से पानी डालकर उसको मिक्स कर रही है। बहुत ज्यादा मिक्स होना है, इसलिए पकौड़े ऐसे ही होते हैं कि मिक्स करना होता है। फिर से पानी डाल रही है और फिर से मिक्स कर रही है बहुत ज्यादा। ओके चलो अब ये मिक्स हो गया, फिर से हम ये मिक्स करेंगे, पकौड़े डालेंगे हल्की आंच पे पकाएंगे। हम पकौड़े डालेंगे इसके अंदर का अंदर पकाएंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे। हाँ तेज आंच पे नहीं पकाएंगे पकौड़े, और फिर आप पकौड़े बन जाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो पकौड़े अच्छे बनेंगे। देखो कितना, देखो बहुत अच्छा बन रहा है अभी। ओके अभी हम को पूरा डालना है, छोटे छोटे पकौड़े अंदर डाल रहे हैं, पूरा अंदर डालना है, बारीक बारीक प्याज आलू और पालक डालकर अब फिर अंदर डालना है। इसके अंदर मैंने डाल दिया पिसा हुआ जीरा नहीं और कच्चे में चख लिया, सही लग रहा है। पिसा हुआ जीरा और वो नमक मिर्च ये सब आपको अंदर डालना ही है ताकि फिर बहुत अच्छा बने। कितना अच्छा बन रहा है, बिल्कुल हल्दी आ। अब इसको हम थोड़ा इसको हिलाएंगे, देखो कैसा बन रहा है, क्रिस्पी पकौड़े। बहुत इजी स्टेप्स है, तो अगर आपको बनाना है तो बन सकता है, इतना इजी है। इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिए हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स आप ला सकते हैं फिर बना सकते हैं। बहुत अच्छा, रमज़ान में भी बना सकते हैं। अब देखो थोड़े थोड़े टाइम में पकौड़े बन गए, बस और नहीं, जब हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर जब बस एक या दो या तीन मिनट में बन जाएंगे। देखो बस बनने ही वाले हैं, बस इनको ले जाएंगे। ओके ये पकौड़े थोड़े ब्राउन होने वाले, निकाल लेंगे। चलो हम इसको थोड़ा हिलाएंगे तो निकाल लेंगे। ओके अब ये ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर पूरे पकोड़े डाल दिए हैं। देखो अब ऐसे आलू पालक और प्याज के पकोड़े बन गए। देखो